ओके okay, चलो आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1। तो 3.1 में हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन इज, हाँ जी मैं सबको म्यूट कर देता हूँ, कोई भी नहीं बोलेगा, सबको बोर्ड दिख रहा है, इफ यू कैन से यस इन दिख रहा है, मैं सुनाई दे रहा हूं, तो टाइप कर देंगे चैट में यस, टैप करेंगे चैट करेंगे चैट में, आप लोग यस बोल देंगे, जल्दी से लिख देंगे, और मैं देख रहा हूं अपने लैपटॉप में सभी लोग यस बोलेंगे अगर आपको बोर्ड अच्छे से दिख रहा है तो। ओके नाउ लिसन प्रॉपरली, हम लोग शुरू कर रहे थे एक्सरसाइज 3.1, हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लिए थे, सिंबल क्या होता है और माइनमेंट क्या होता है, सब्ट्रैक्ट क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, ये सब हमने पढ़ लिया था जो कि बहुत ही इजी थे, वर्ड्स में भी हमने पढ़ लिया था और मैथमेटिकल भी हमने पढ़ लिया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर वन, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन कॉलम एंड सब्ट्रैक्ट देम, अरेंज द फॉलोइंग इन कॉलम एंड सब्ट्रैक्ट देम। तो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे जैसे हम अपने क्लास में लिखते थे, डॉट 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 करके एंड देन देम। नाउ द क्वेश्चन नंबर ए, हम लोग क्वेश्चन करके ही जानेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। अगर आप लोगों को सुनाई दे रहा है तो आप यस बोलेंगे, चैट में थम्स अप भी दे सकते हैं, एंड यू कैन टाइप यस। कोई भी प्रॉब्लम है तो क्वेरी में लिख सकते हैं वहाँ पे अपने चैट में कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। ओके नाउ द क्वेश्चन नंबर वन इज 7654 माइनस 3243। तो फिर हमारे पास सब्ट्रैक्शन जो है वो दो तरह का है, एक है विदाउट रीग्रुपिंग, मतलब हमें कोई भी नंबर कहीं से भी बोरो नहीं करना है, और दूसरा होता है विद रीग्रुपिंग, जिसमें हमें बोरो करना होता है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन देखने पे पता चल जाता है या नहीं पता लगता है ये हम देखते हैं। तो हम सबसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे, हाउ मेनी मोर डिजिट्स वी हैव, 1 2 3 4 1 2 3 4। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, प्लेस वैल्यू चार्ट। तो प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया हमने, वंस टेंस हंड्रेड एंड थाउजेंड, तो हमने ये प्लेस वैल्यू चार्ट बना लिया। वन लाइन हम यहाँ पर छोड़ देंगे फॉर बोरो, बोरो के लिए एक लाइन हम यहाँ पर छोड़ देंगे, अब इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, आप टाइप करके मुझे बताएंगे इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है ना, जो बड़ा नंबर है मुझे जल्दी से टाइप करके बताएंगे, इनमें से बिगर नंबर कौन सा है जो माइनुएट होगा। 7654 दित्य गर्ग, वेरी गुड कार्तिक, वेरी गुड आशा, मतलब आप लोग जगे हुए हो, आप लोग बस बैठे नहीं हो, अच्छे से पढ़ने के लिए आए हो, वेरी गुड। हम यहाँ पे एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद में जो बड़ा नंबर है, जो बिगर नंबर है उसको लिखेंगे जल्दी से। तो हमारे पास बिगर नंबर क्या है, 4, हम हमेशा राइट हैंड साइड से नंबर लिखेंगे, 4 5 6 एंड 7, और स्मॉलर नंबर कौन सा है उसे नीचे लिखेंगे, स्मॉलर नंबर है हमारे पास 3 4 2 एंड 3। सिंबल क्या था हमारे पास, सब्ट्रैक्शन का सिंबल क्या होता है, सब्ट्रैक्शन का सिंबल है माइनस, तो हम वो यहां पर लगा देंगे, और हमारे आंसर के लिए हम लोग यहां पर एक लाइन खींचेंगे। ओके अगर हम ध्यान से देखेंगे तो बिगर नंबर है उसको हम क्या बोलते हैं, जल्दी से टाइप करके बताएंगे बिगर नंबर को क्या बोलते हैं। बेटा लक्ष्य, आप मेरी वीडियो को पिन कर लीजिए, आप जब मेरी वीडियो बहुत छोटी दिख रही होगी, बहुत सारे पार्टिसिपेंट दिख रहे होंगे आपको वहां पे, आप अपनी मेरी वाली वीडियो को पिन कर लोगे तो आपके बोर्ड पर आपका जो स्क्रीन है उस पर सिर्फ मैं दिखूंगा, है ना। तो ग्रेटेस्ट नंबर को हम क्या बोलते हैं, माइनुएंट, क्या बोलते हैं इस ग्रेटेस्ट नंबर को, माइनुएंट, क्या बोलते हैं इस ग्रेटेस्ट नंबर को,
माइन्यूएंड, और जिसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं जो छोटा नंबर होता है, स्मॉलर नंबर होता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जो छोटा नंबर होता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जल्दी से कौन लिख कर बताएगा? वेरी गुड दित्य गर्ग, वेरी गुड। सब्ट्रहेंड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? सब्ट्रहेंड। और जो आंसर आता है हमारा उसको क्या बोलते हैं? सब्ट्रैक्शन के आंसर को क्या बोलते हैं हम लोग? सब्ट। वेरी गुड दित्य गर्ग, डिफरेंस, वेरी गुड। आप तो बहुत बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, बहुत डिफरेंस सबसे पहले आंसर। तो हम लोग देख रहे हैं, हमारे पास क्वेश्चन था 7654 माइनस 3243, ये हमारा पहला क्वेश्चन है ना, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें हमने बिगर नंबर को पहले लिखा और स्मॉलर नंबर को बाद में लिखा, माइनस को हमने यहाँ पे लगाया। जो बिगर नंबर होता है उसे माइन्यूएंड बोलते हैं, जो स्मॉलर नंबर होता है उसे सबट्रैक्ट बोलते हैं, जो हमारा आंसर आएगा उसे हम डिफरेंस बोलेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए, ए टू जेड सबको क्लियर होना चाहिए। कोई भी बच्चा अगर कोई भी प्रॉब्लम है कि हमने कौन सी चीज कहाँ पर लिखी है तो आप मुझे बता सकते हैं, है ना। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है आपको, प्लेस वैल्यू चार्ट में भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपने लार्ज नंबर्स नहीं पढ़ा हो। तो लार्ज नंबर्स जब आप पढ़ोगे तो उसमें प्लेस वैल्यू चार्ट हमने बनाना सिखाया है ना, प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना सिखाया है उसमें। तो हम लोग यहाँ पे कॉलम्स बांध लेंगे इनके, ये हमारे कॉलम्स हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले वंस वाले कॉलम को सॉल्व करेंगे, ये वंस वाला कॉलम है, इसको सॉल्व करेंगे, है ना। इस वंस वाले कॉलम को सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 3, व्हाट इज 4 माइनस 3? 4 माइनस 3 इज, वेरी गुड, सबने आंसर किया है 1 1 1 1, वेरी गुड। सुमिरन, लक्ष्य, दिव्य, अभिनव, कार्तिक, अनिका, देव प्रताप, केशव तालिवाल, देवांग, वेरी गुड। मतलब सबको दिख रहा है, समझ में आ रहा है सर क्या पढ़ा रहे हैं। तो 4 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो हम फर्स्ट कॉलम में क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। अब हमारा ये वाला कॉलम तो सॉल्व हो गया, अब हम सेकंड कॉलम पे आ जाते हैं, टेंस वाले कॉलम पे। टेंस वाले कॉलम पे हम लोग आएंगे तो अब हम सॉल्व करेंगे 5 माइनस 4, तो 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 5 माइनस 4 भी 1 हो जाएगा। वेरी गुड, सबने आंसर किया है बहुत ही अच्छे से, सबने आंसर किया, कितना इजी है देखो। हम लोगों को कुछ नहीं करना पड़ रहा है ना, कोई बोरो नहीं करना पड़ रहा। जब तक हम कोई बोरो नहीं करते हैं तब तक हमारा ये क्वेश्चन कैसा हो जाएगा? विदाउट रीग्रुपिंग वाला। विदाउट रीग्रुपिंग मतलब नो बोरो, हमने कोई बोरो नहीं किया है अगले वाले डिजिट से, है ना, क्योंकि हम आराम से, हमारा बिगर डिजिट है उसमें से हम स्मॉलर डिजिट को माइनस कर सकते हैं, तो हमारा आंसर आ रहा है, तो हम इसको विदाउट रीग्रुपिंग बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट इज, हम हमारा वन सॉल्व हो गया, टेन सॉल्व हो गया, अब हम आ जाते हैं हंड्रेड पे। अगर हम 100 पे आते हैं और हमने माइनस करना है 6 माइनस 2, अगर हमने 6 माइनस 2 किया तो आंसर क्या आना चाहिए हमारा? आंसर क्या आना चाहिए? 4। वेरी गुड, बहुत अच्छे से सबको दिखाई दे रहा है, सबको सुनाई दे रहा है, सबको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे, सबका आंसर आया, सबका आंसर आया, मैं देख रहा हूँ चैट में लगभग सबका आंसर आ रहा है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, सबका आंसर आ रहा है। 6 में से 2 हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट, अब हमारा 100 वाला भी सॉल्व हो गया, अब हम आ जाते हैं 1000 वाले पे। 1000 वाले कॉलम में अगर हम सॉल्व करेंगे तो 7 माइनस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है, बहुत ही अच्छा। तो देखो हमारा आंसर आ गया, तो हमारा आंसर आ गया, हमारा आंसर क्या आया है? 4 4 1 1। हम यहाँ पर इसको फिनिश कर लेंगे, जल्दी से लिख लेंगे इसको, जल्दी से लिख लेंगे इसको, जल्दी से लिख लेंगे इसको, बहुत जल्दी लिखेंगे। 7205 9 7205 माइनस 3 4 2 6 3 4 2 6। यही है हमारा क्वेश्चन, राइट। हम आई क्वेश्चन भी करेंगे बेटा दित्य, आई वाला क्वेश्चन भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे आई वाला क्वेश्चन भी, आई जे भी करेंगे, पहले हम बी देख लेते हैं, है ना, पहले बी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या बनाते हैं? प्लेस वैल्यू चार्ट। सबसे पहले हमें क्या बनाना है? प्लेस वैल्यू चार्ट। तो प्लेस वैल्यू चार्ट में हम देखेंगे यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4। तो हमें 5 डिजिट्स ज्यादा है, तो ज्यादा जिसमें नंबर होते हैं वो वाले डिजिट्स का हम प्लेस वैल्यू चार्ट बनाते हैं। तो 1, 10, 100, 1000, और 1000 के बाद क्या आता है कौन बताएगा? 1000 के बाद क्या आता है? 10000। वेरी गुड दित्य,
तो हम लोग इसके लिए प्लेस वैल्यू चार्ट बनाते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड एंड देन 10,000, राइट। प्लेस वैल्यू चार्ट बन गया हमारा। हम एक लाइन छोड़ देंगे, विल स्किप अ लाइन फॉर बोरो, अगर हमें बोरो लेना पड़ा तो हम उसके लिए एक लाइन छोड़ देंगे, है ना, दिख रहा है। और एक लाइन छोड़ने के बाद में हम बड़ा नंबर कौन सा है, इसमें से बिगर नंबर कौन सा है, जो बिगर नंबर है उसे पहले लिखेंगे हम, कौन सा नंबर पहले लिखेंगे, बिगर नंबर। तो बिगर नंबर कौन सा है हमारा, टाइप करके जल्दी से बताएंगे, बिगर नंबर कौन सा है हमारा, केशव अग्रवाल, आरव, सुमरन, दित्य, वेरी गुड, सभी को समझ में आ रहा है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे से। तो हमारे पास सबसे बड़ा नंबर है 9720, केशव अग्रवाल, कार्तिक, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 9720। अब लिखने का तरीका देखो, हम हमेशा राइट हैंड साइड से लिखेंगे, जो भी नंबर हम लिखेंगे वो राइट हैंड साइड से लिखेंगे हम नंबर, कौन सी साइड से लिखेंगे, राइट हैंड साइड से। तो राइट हैंड साइड में हमें सबसे पहले 5 लिखना है, फिर उसके बाद में 0, फिर 2, देन 7, देन 9। तो हमारा बिगर नंबर लिख गया, क्या हमने बिगर नंबर लिख लिया, वेरी गुड। अब हमारे इस बिगर नंबर को क्या बोलते हैं हम, बिगर नंबर को क्या बोलते हैं हम, माइनुएंट, क्या बोलते हैं इसको, माइनुएंट, है ना। तो इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं है बार बार कि ये माइनुएंट है, ये सबट्रेंड है, या फिर हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, हमें याद रहना चाहिए कि हमने जो बिगर नंबर लिखा है वो क्या है, माइनुएंट, है ना। अभी इसके बाद में हमारा दूसरा डिजिट कौन सा है, दूसरा नंबर है, इसको भी हम राइट हैंड साइड से लिखेंगे, 6, 2, 4 एंड 3। क्या मैंने बताया है कि अगर कोई नंबर नहीं होता है हमारे पास तो वहाँ पे क्या लिखते हैं हम, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है हमारे पास, कोई डिजिट नहीं है, कोई भी डिजिट नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे, दित्यगर, वेरी गुड, दिव्यांश, मोहित, सुमिरन, केशव, बेटा कहाँ हो आप, अमन, देवांग, तेसा, सबको पता है कि अगर कोई भी डिजिट नहीं दे रखा है तो हम वहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 0। बहुत अच्छे बच्चे हैं, तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे और इसके बाद में सिंबल क्या बनाएंगे, माइनस का, है ना। अब देखो, हम ध्यान से देखेंगे इसको, अब हमें इसका आंसर चाहिए सॉल्व करके, हमें इसका आंसर चाहिए सॉल्व करके। तो सबसे पहले हम वंस वाले कॉलम को सॉल्व करेंगे, वंस वाले कॉलम को सॉल्व करेंगे, क्या हम 5 में से 6 को माइनस कर सकते हैं, क्या हम 6 को 5 में से माइनस कर सकते हैं, नो, नहीं कर सकते हैं, वेरी गुड। सबको समझ में आया कि 5 में से 6 को माइनस नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि 6 इज अ बिगर नंबर एंड 5 इज अ स्मॉलर नंबर, सो वी कांट सबट्रैक्ट 6 फ्रॉम 5। तो हम क्या करेंगे, इससे अगले वाले नंबर पे जाएंगे, उससे पूछेंगे क्या आप हमें बोरो दे सकते हो, क्या आप हमें 10 बोरो दे सकते हो। उसने बोला नहीं दे सकता, क्योंकि मैं तो 0 हूं, जब मैं 0 हूं तो बोरो कैसे दे दूंगा, है ना केशव बेटा, जब वो 0 है तो बोरो नहीं दे पाएगा, कुछ नंबर तो होना चाहिए, 1 to 9 नंबर्स में से ही हम बोरो ले सकते हैं, 0 से हम बोरो नहीं ले सकते, किसी के पास एक भी पैसा नहीं है, एक भी रुपया नहीं है, तो हम उससे एक भी मनी नहीं है किसी के पास, तो हम उससे बोरो कैसे ले सकते हैं, जिसके पास मनी होगा उसी से तो बोरो ले सकते हैं, तो 0 के पास तो कुछ भी नहीं है, तो उसने बोला मैं बोरो नहीं ले सकता हूं। तो हम उससे अगले नंबर पर गए, तो हमारे पास 2 आ गया, तो हम 2 के पास गए, क्या आप हमें बोरो दे सकते हैं, तो 5 से उसने बोल दिया नहीं, मैं आपको बोरो नहीं दे सकता, मैं 0 को बोरो दूंगा, जो मेरा नेबरर है। तो 2 ने बोरो दिया 0 को, और 0 को बना दिया 10, 0 को क्या बना दिया, 10 बना दिया, और 2 क्या बन गया, 1 बन गया, है ना। 2 जो था उसने बोरो दिया 10 0 को, और खुद 1 बन गया। अब 0 के पास 10 रुपीज हो गए, अब वो कह रहा है कि हाँ अब मैं आपको बोरो दे सकता हूं, तो 5 को बोरो अब किससे मिलेगा, 10 से मिलेगा, 0 से नहीं मिलेगा, किससे बोरो मिलेगा, 10 से बोरो मिलेगा। और हम 10 से बोरो लेंगे तो हम फिर से इसको 10 से बोरो लेंगे 1, तो ये 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 क्या हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा, अगर हमने बोरो लिया है तो 5 की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 15, वेरी गुड, हर्षराज, आरव, चिराग, बेटा
5 की जगह हमारे पास कितना आ जाएगा 15। क्या हम अब इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 15 में से 6 को? क्या हम 15 में से 6 को अब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? क्या हम 15 में से 6 को अब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? जल्दी से बताएंगे टाइप करके, यस कर सकते हैं। तो अब हमारा आंसर कितना आएगा? अब हमारा आंसर कितना आएगा? 9। वेरी गुड, सबका आंसर आ रहा है। तो अब हमारे 15 में से 6 को माइनस किया तो 9 आ गया, है ना? यहां तक सबको समझ में आया तो टाइप करेंगे यस, जल्दी से टाइप करेंगे यस। अगर यहां तक सबको समझ में आया है तो, यहां तक सबको समझ में आया तो टाइप, है ना? अब हम शुरू करेंगे आगे। तो अब हम 9 में से 2 को माइनस करेंगे, है ना? अब हम 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा। वेरी गुड, अब हमने ये वाला कॉलम भी सॉल्व कर दिया, ये वाला कॉलम भी सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट कॉलम पे आते हैं, 100 वाले कॉलम, है ना? क्या हम 1 में से 4 को माइनस कर सकते हैं? क्या हम 1 में से 4 को माइनस कर सकते हैं? क्या हम 1 में से 4 को माइनस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वेरी गुड, सबको समझ में आया कि 1 में से नहीं कर सकते। तो अब हम फिर से गए 7 के पास, तो हमने 7 से बोला, 7 भैया हमको बोरो दे दो। तो 7 बोला ठीक है आप बोरो ले लो। तो कितने बोरो देता है, कितने बोरो देगा 7? अगर 1 को बोरो देगा तो कितने बोरो देगा? 10। वेरी गुड देव, वेरी गुड, कितने बोरो देगा? 10 बोरो देगा। वेरी गुड, तो अब 7 अगर बोरो दे रहा है तो 10 दे रहा है, तो 7 की जगह पर क्या हो जाएगा? 7 के पास तो 6 रह जाएंगे, है ना? और जो उसने 10 बोरो दिए हैं वो किस में ऐड हो जाएगा? इसमें प्लस 10, तो ये कितना हो जाएगा? 11, है ना? ये कितना हो जाएगा? 11। अब हम 11 में से, क्या हम 11 से 4 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? क्या हम 11 से 4 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? क्या हम 11 में से 4 को सब्ट्रैक्ट, यस और नो? यस और नो, जब मैं पूछता हूं तो यस और नो में आंसर दो। जब मैं पूछूंगा 10 में से 4 को माइनस करो तो आप मुझे आंसर बताओ, यस। वेरी गुड, हम 11 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 11 माइनस 4 7। अब हमारा आंसर आ गया 7। वेरी गुड, तो हमारा 100 वाला कॉलम भी सॉल्व हो गया। यहां तक सबको समझ में आया तो यस टाइप करेंगे, यहां तक सबको समझ में आया है तो यस टाइप करेंगे, जल्दी से, बहुत जल्दी से करेंगे टाइप, है ना? उसके बाद में हम आ जाते हैं 1000 वाले प्लेस पे। 1000 वाले प्लेस पे हमने देखा कि हमारे पास 6 है और 6 में से 3 को माइनस करना है। क्या हम 6 में से 3 को माइनस कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। हमारा आंसर कितना आएगा? केशव का आंसर आ गया 3, यस। कितना आंसर आएगा? हर्षिता का आंसर आ गया, शब्द का आंसर आ गया, लक्ष्य का आंसर आ गया, कार्तिक का आंसर आ गया। वेरी गुड, तो 6 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब कौन बचा हमारे पास? अब कौन बचा? क्या कुछ बचा है अभी सॉल्व करने को? क्या कुछ बचा है अभी सॉल्व करने को? कुछ बचा है सॉल्व करने को? कौन सा वाला पार्ट बचा है? हमने 1s वाला पार्ट सॉल्व कर लिया, 10s वाला कर लिया, 100 वाला कर लिया, 1000 वाला कर लिया, तो कौन सा पार्ट बचा है अभी हमारे पास? 10000। 10000 वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। क्या हमने 9 में से 0 को माइनस कर सकते हैं? क्या हम 0 को माइनस कर सकते हैं 9 में से? अगर 9 में से 0 को माइनस कर सकते हैं तो जल्दी से यस टाइप करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे। 9 में से 0 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 9, क्योंकि हमने कुछ भी माइनस नहीं किया, है ना? कुछ भी माइनस नहीं करेंगे तो सेम आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। जल्दी से टाइप करेंगे, लिख लेंगे इसको, जल्दी से लिख लेंगे इसको, है इस मेथड को क्या बोलते हैं हम लोग? इस मेथड को बोलते हैं विद रीग्रुपिंग, क्योंकि हमने यहाँ पे रीग्रुपिंग की है और हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये हमने बोरो किया है, है ना? ये हम लिख देंगे बोरो किया है और ये वाली लाइन पे हम अलग बना देंगे, है ना? तो हमारी ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन है, इस लाइन का मतलब क्या है? ये बोरो वाली लाइन है और इससे नीचे आएंगे हम तो हमारे पास ये क्या है? माइनुएंट। लिखना है ये सबको, उसके बाद में आ जाएगा हमारे पास सब्ट्रैहेंड। और उसके बाद में आ जाएगा डिफरेंस।
यहां तक सबको समझ में आया? बोरो वाली लाइन पे हमने बोरो लिख दिया, जो बिगर नंबर था उस पर माइन्यूएंट लिख दिया, जो स्मॉलर नंबर था सबट्रैक्ट लिख दिया, और आंसर जो आया हमारा सबट्रैक्ट करने के बाद वो हमारा डिफरेंस हो गया। और इस मेथड पे हम क्या लिखेंगे? रीग्रुपिंग। दिस इज अ रीग्रुपिंग मेथड। और जो पहला वाला क्वेश्चन किया था वो क्या था? विदाउट रीग्रुपिंग। जो पहला वाला क्वेश्चन किया था वो विदाउट रीग्रुपिंग था, उसमें हमने बोरो नहीं लिया था। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा विद रीग्रुपिंग है, इसमें हमने बोरो लिया है। हमने इसमें देखो जीरो के पास गए थे, उसने मना कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकता फाइव को। तो हम टू के पास गए, टू ने बोला मैं जीरो को पैसे दे सकता हूँ, फाइव को नहीं दे सकता बोरो, है ना। उसने फाइव को देने से मना कर दिया, जीरो को दिया, और जीरो को दिया तो जब वो टेन हो गया जीरो, तो हमने जीरो से एक बोरो टेन बोरो कर लिया। फिर हम सेवन के पास गए कि टू के लिए बोरो दे दो क्योंकि वो वन हो गया है, और वन में से फोर को माइनस नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे करके हमने ये विद रीग्रुपिंग सॉल्व कर दिया है। अब मुझे बताएंगे आप लोग, अगर आपने ये कर लिया है, लिख लिया है, तो जल्दी से बताएंगे कौन सा क्वेश्चन करना है, जल्दी से बताएंगे कौन सा क्वेश्चन करना है। जे पार्ट, सी पार्ट, सी पार्ट बेटा लगातार सारे क्वेश्चन करने हैं। सी पार्ट इज एग्जैक्टली सेम, सी पार्ट इज एग्जैक्टली सेम, जैसे हमने ये किया है वैसे ही सी पार्ट करना है, सबको सी पार्ट करना है। ओके चलो सी पार्ट करते हैं, लेकिन सी पार्ट आपको मैं होमवर्क दूंगा, नहीं आएगा वैसे आपको ये जब आप पीडीएफ देखोगे तो सी पार्ट भी उसमें आपको सॉल्व मिल जाएगा, है ना। लगातार क्वेश्चन करेंगे तो हमारे पास सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। अब हम करते हैं आई पार्ट। ओके अब हम आई पार्ट करेंगे। ओके बच्चों अब हम आई पार्ट करेंगे, आई लिख लेंगे सभी लोग, अब आई लिख लेंगे सभी लोग, है ना, आई वाला पार्ट जल्दी से लिख लेंगे। उसके बाद में हम जे पार्ट करेंगे। सभी पार्ट्स का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा, है ना, सॉल्यूशन सभी पार्ट्स का मिल जाएगा, लेकिन हम यहाँ क्लास में सभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं कि सर इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे डाउट है, आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं, है बच्चों। ओके अब हम आई पार्ट करेंगे। केशव जायसवाल, कार्तिक जायसवाल, ओके अब हम पार्ट करेंगे आई, उसके बाद में दूसरा पार्ट देखते हैं। ओके एल भी पार्ट करेंगे, एल भी करेंगे, जे के एल, या फिर हम आई के बाद में सीधा एल पार्ट ले लेंगे। ओके अभी हम आई पार्ट करेंगे। आई पार्ट करेंगे, आई पार्ट है हमारे पास 7 5 6 3 2 0, 7 5 6 3 2 0। माइनस 3 4 7 9 8 0, 3 4 7 9 8 0। उसके बाद में हमें सबसे पहले क्या करना होता है, कौन बताएगा सबसे पहले क्या करना होता है हमें? हम क्या बनाएंगे? लेज वैल्यू चार्ट, है ना। सबको दिख रहा है क्लास? सबको दिख रही है क्लास? 10 मोर मिनट्स वी हैव, क्या आप लोग टाइप कर रहे हो? यस वेरी गुड, सुमिरन को दिख रहा है। चलो अच्छा, कोई बच्चा तो है क्लास में जो जग रहा है, सबकी नींद आई हुई है सबको, क्या सबको नींद आ रही है? क्या सबको नींद आ रही है? दित्यागर प्लेस वेरी चार्ट, वेरी गुड, यस सबको नींद आ रही है। ओके नो नो, चलो ये अच्छा है कि सबको नींद नहीं आ रही। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? प्लेस वेरी चार्ट। और प्लेस वेरी चार्ट हम कहाँ से शुरू करते हैं? 1 2 3 4 5 6, इट मींस 1 2 3 4 5 6, ये बोथ नंबर्स आर ऑफ द सेम डिजिट, दोनों नंबर्स सेम डिजिट के हैं। तो हम क्या करेंगे? वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड। टेन थाउजेंड के बाद क्या आता है, कौन लिखेगा? 10,000 के बाद क्या आता है? लैक। वेरी गुड दित्य, दित्य इज सो फास्ट टू आंसर दैट सर विल आस्क एनीथिंग एंड आई विल आंसर, वेरी गुड। अशराज वेरी गुड, लक्ष्य हमारा लैक्स आता है, केशव, देव प्रताप, सब, सुमिरन, दिया, दिव्या, देवांग, वेरी गुड लैक्स आता है। तो हम लोग जल्दी से प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड,
एंड उसके बाद में लेग्स। सबको समझ में आया यहां तक? सबसे पहले हमने प्लेस वाली चार्ट बनाया, उसके बाद में एक लाइन छोड़ देंगे बॉरो के लिए, एक लाइन छोड़ देंगे बॉरो के लिए, बॉरो के लिए एक लाइन को हमने छोड़ दिया। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे? बिगर नंबर। क्या लिखेंगे? बिगर नंबर। और बिगर नंबर को क्या बोलते हैं हम? माइन्यूएंट। वेरी गुड, माइन्यूएंट लिखेंगे हम लोग। तो हमारे पास बिगर नंबर कौन सा है? 756320। बिगर और स्मॉलर तो आप लोग पहचान लेते हो। वेरी गुड, तो हम जल्दी से लिखेंगे 0 2 3 6 5 7। मैं थोड़ा फास्ट करूंगा ये क्वेश्चन क्योंकि हमारे पास टाइम सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट्स बचा है, तो हम जल्दी से ये सॉल्व करेंगे। और हम स्मॉलर नंबर को इसके नीचे लिख लेंगे 0 8 9 7 4 एंड 3। और यहाँ पे हम आगे साइन कौन सा लगाएंगे? माइनस का साइन लगाएंगे और इसके नीचे भी लाइन कर लेंगे। ये हमारा माइन्यूएंट हो जाएगा। आपको हर क्वेश्चन में नहीं लिखना है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि ये माइन्यूएंट होता है, ये सबट्रेंड होता है। अगर आपको समझ में आ गया है माइन्यूएंट क्या होता है, सबट्रेंड क्या होता है, तो आप बार बार नहीं लिखोगे। ये उनके लिए है जिनको समझ में नहीं आया है कि माइन्यूएंट क्या होता है। ओके, जल्दी से सॉल्व करेंगे अब इनमें से। क्या हम जीरो में से जीरो को माइनस कर सकते हैं? वी जस्ट हैव 5 मिनट्स। क्या हम जीरो में से जीरो को माइनस कर सकते हैं? यस, हम जीरो में से जीरो को माइनस करेंगे। पहले हमने कॉलम को सॉल्व किया, फर्स्ट वाले कॉलम को, वंस वाले कॉलम को सॉल्व किया, जीरो में से जीरो को माइनस किया, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? जीरो आ जाएगा। वेरी गुड, सबको समझ में आया? वेरी गुड। क्या हम 2 में से 8 को माइनस कर सकते हैं? क्या हम 2 में से 8 को माइनस कर सकते हैं? क्या हम 2 में से 8 को माइनस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो हम किसके पास जाएंगे अब? हम जाएंगे 3 वाले के पास। 3 भैया, 3 भैया हमें बोरो दे दो। तो 3 कितने बोरो देगा 2 को? 3 कितने बोरो देगा 2 को? जल्दी से बताएंगे, 3 कितने बोरो देगा 2 को? 10। वेरी गुड, तो 3 ने क्या किया? मैं तो हो जाता हूँ 2 और आप ले लो 10, तो ये 12। 2 की जगह पे कितना हो जाएगा? 2 की जगह पे कितना हो जाएगा? 10 बोरो लेकर 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, है ना। अब हम 12 में से 8 को माइनस कर सकते हैं क्या? 12 में से 8 को माइनस कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, है ना। क्या हम 2 में से, अब हमने 10 वाला सॉल्व कर लिया, अब हम 100 वाले पार्ट पर आते हैं, 100 वाले कॉलम पे आते हैं। क्या 2 में से हम 9 को माइनस कर सकते हैं? क्या हम 2 में से 9 को माइनस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वेरी गुड बेटा कार्तिक, तो अब हम 6 के पास जाएंगे। 6 से बोलेंगे 6 भैया हमें बोरो दे दो। तो 6 को बोरो देना है, तो 6 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 6 अगर बोरो देगा तो कितने बोरो देगा? 10 बोरो देगा। और 10 बोरो देगा तो ये 2 कितना हो जाएगा? तो ये 2 कितना हो जाएगा? 2 में 10 को ऐड कर लेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास? 12 हो जाएंगे। तो क्या 12 में से हम 9 को माइनस कर सकते हैं? 12 में से 9 को माइनस कर सकते हैं? वेरी गुड बेटा मोहिता, तो 12 में से हमने 9 को माइनस किया तो हमारे पास 3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट कॉलम पे आते हैं हम, 1000 वाले पे। क्या हम 5 में से 7 को माइनस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो हम फिर से अगले नंबर के पास गए, 5 भैया हमें कॉल एक और बोरो दे दो। तो 5 ने बोरो किसको दिया? अगले वाले 5 को, है ना। 5 ने बोरो किसको दिया? अगले वाले 5 को। तो 5 बोरो देगा तो ये तो हो जाएगा 4, और इसने बोरो दिया तो कितना बोरो दिया है? 10। तो टोटल कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और 15 में से 7 को माइनस करेंगे जल्दी से। 15 में से 7 को कौन माइनस कर रहा है? 15 को 7 में से माइनस करेंगे तो 8 बचेगा। वेरी गुड, जल्दी से इसको माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा हमारे पास। क्या हम आप 4 में से 4 को माइनस कर सकते हैं 1000 वाले 10000 वाले कॉलम में? क्या हम 10000 वाले कॉलम में 4 में से 4 को माइनस कर सकते हैं? यस, तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं लैक्स वाले कॉलम पे। क्या लैक्स वाले कॉलम में 7 में से 3 को माइनस कर सकते हैं हम लोग? यस, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 4। तो हमारा टोटल आंसर कितना हो गया? 408340।
क्या यहाँ पे सबको समझ में आया है? आज की क्लास में इतना ही होगा, नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे।